कक्षा 12वीं में 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सरकार की ओर से लैपटॉप दिए जाने थे, परंतु सत्र 2018-19 में अभी तक इस योजना का लाभ विद्यार्थियों को नहीं मिल रहा है, जिससे विद्यार्थियों ने सरकार के प्रति गुस्सा है। दरअसल मामला शिवपुरी जिले का है, जहां विद्यार्थियों ने 75% और उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों का कहना है कि हमें लैपटॉप दिलाओ, नहीं तो 15 दिन बाद हम और उग्र आंदोलन करेंगे। आंदोलनकारी छात्र नेता आदित्य पाठक का कहना है कि जिला शिक्षा अधिकारी ने आश्वासन दिया है कि भोपाल पत्र लिखकर हम मामले पर जानकारी लेंगे। शिवपुरी से देवेश सेन की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? आदित्य पाठक। क्या समस्या लेकर आए थे आज? जी, हम एक समस्या लेकर आए थे कि जो 12वीं में जिन विद्यार्थियों की 85% बनी है, उनको लैपटॉप देने का वादा सरकार द्वारा किया गया था, परंतु उनको अभी तक लैपटॉप नहीं मिले हैं। जो SC/ST विद्यार्थी हैं, बचन पर 70% का लैपटॉप मिलता है, परंतु अब तक लैपटॉप नहीं मिला है। जहाँ की बात करें शिक्षा विभाग की, तो उसके द्वारा एक फॉर्म तक भरवाया गया था विद्यार्थियों से, फॉर्म भरवाया गया था, परंतु अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। तो उसी को लेकर आज जिनकी 85% से ऊपर थी 12वीं में, जिनकी 70% ये योजना बीजेपी सरकार लेकर आई थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने दिया था लेकिन बोला है कि योजना बंद हो चुकी है। अरे योजना बंद हो चुकी, तो आप हमको उसका प्रमाण दिखाएं कि योजना बंद हुई है, आपको ये आदेश दिखाएं। योजना अगर बंद थी तो फॉर्म क्यों भरवाई थी? फॉर्म क्यों भरवाया? 25,000 लैपटॉप लेने के लिए बोला था, जो कि अभी तक वचन पत्र। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।